हैं कि दुनिया के दो बड़ा लोकतंत्र, एक अमेरिका और एक हिंदुस्तान, दो लोकतंत्र की दो मुखिया, एक ट्रंप साहब और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब, इन्हीं लोगों का बीच ओसाका में क्या बात हुई, इस विषय को लेकर सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी को रीति रिवाज के मुताबिक आज प्रधानमंत्री जी को ये सदन में उपस्थित रहना चाहिए था, इसीलिए हम आज एडजॉर्नमेंट मोशन लाया कि खासकर प्रधानमंत्री जी को हम उनका निगाह आकर्षण करें और उनसे ये बात सुने। सर, एक बात, सर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच 1971 में एक वार हुई थी। इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान को नस्तनाबूद करते हुए 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हिरासत में ले लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा ये सरेंडर हुआ था। सर, इसके बाद हुआ था शिमला एग्रीमेंट, और ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच। ये शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर मुद्दा पे कोई तृतीय पक्ष की हस्तक्षेप नहीं होगा, ये करार हुआ था। इसके लिए कश्मीर मुद्दा बायलैटरल है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। सर, अभी ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका की प्रेसिडेंट, बात सुनना, बात खत्म करने दो, अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें दरखास्त किया था कि कश्मीर मुद्दे पर हम हस्तक्षेप करें। सर, ये गलत हो सकता, अच्छे, ये सही हो सकता। सर, ये गलत, बात सुनिए, ये गलत भी हो सकता, ये सही भी हो सकता, लेकिन आज तक ना ट्रंप साहब ने इनको गलत कही, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इसको गलत कही, इसलिए हमारे अंदर शंका पैदा हो रहे हैं। ना ट्रंप साहब इसको गलत कही, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको गलत कही। वो अपने लोगों को यहाँ भेजकर बयान दिया करते, जो लोग, सर, हम सर वी वांट टू लर्न द फैक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम घोड़े की मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं। ये वाजिब है कि आज जिस व्यक्ति को लेकर ये तर्क है, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये वाजिब है कि हम उनसे मुंह से बयान सुनना चाहते हैं। वी वांट टू लर्न फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो इसमें क्या गलती है? लेकिन ये सत्ता पक्ष हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, और हम जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको जबरदस्त दबाना चाहते हैं, ये हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी आए और सदन में अपना बयान पेश करें, ये हमारा मांग है। मिस्टर स्पीकर, Mr. Speaker, the House, the Indian Parliament has witnessed very, very, very strange situation today. Just between 11 and 12, opposition members of Parliament, has again and again pleaded before the House to call the Prime Minister of India to come to Parliament, Indian Parliament. Very safe. Prime Minister of India, their request is to call, they request the Prime Minister of India to come to the Indian Parliament, that too on his Parliament Day. Second thing, sir. Sir, I have got, sir. Sir. Mr. Speaker. रक्षा मंत्री जी के अलावा किसी का इंकित नहीं हो, माने सदस्य आप भी बात सुनकर जाएं, आप भी बात सुनकर जाएं। अध्यक्ष महोदय,